नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉयस पाक हिंदी के एक नए वीडियो में। डकार रैली पूरी दुनिया में एक खतरनाक रैली के तौर पर जानी जाती है। हाल ही में इसे लेकर नई जानकारी सामने आई है। इस जानकारी के अनुसार जल्द ही इस रैली का 43वां संस्करण सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। इस रैली का आयोजन 3 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। बता दें कि इस रैली के दौरान कुल 7,646 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। इसमें से 4,767 किलोमीटर की रैली में प्रतिस्पर्धा होने वाली है। इस दूरी को कुल 12 स्टेज में बांटा गया है। इस रैली में नए रूट लाए गए हैं जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक हैं। इसमें खुला रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ शामिल हैं। बता दें कि हीरो मोटरस्पोर्ट ने 2021 डकार रैली के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही अपनी योजनाओं का खुलासा भी किया है। हीरो मोटरस्पोर्ट की टीम में कुल 3 राइडर होंगे। इसमें पहले राइडर 2020 FIM क्रॉस कंट्री बाजा वर्ल्ड कप विजेता सेबेस्टियन बुलर होंगे। वहीं दूसरे राइडर 2019 पैन अफ्रीका रैली विजेता रॉड्रिक्स और तीसरे भारतीय राइडर CS संतोष होंगे। इस रैली का यह सीजन रॉड्रिक्स और CS संतोष के लिए 5वां और बुलर के लिए 2रा सीजन होगा। हीरो मोटरस्पोर्ट के राइडर डकार रैली में नई हीरो 450 रैली बाइक का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें नया 450 cc इंजन और नई चैसी का इस्तेमाल किया गया है। इस इंजन को खास तौर पर रैली के लिए ही तैयार किया गया है जो बेहतर टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन प्रदान करता है। इस बाइक में वेट बैलेंस को सही रखा गया है। इस बाइक में बड़ा फ्यूल टैंक, बेहतर सस्पेंशन और कूलिंग सिस्टम दिया गया है जो इस नई बाइक को ऊंची जगह पर लंबी दूरी तय करने में मदद करता है। बता दें कि हीरो मोटरस्पोर्ट ने साल 2017 से डकार रैली में भाग लेना शुरू किया है और कुछ ही सालों में यह टॉप की टीम बन चुकी है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑटो जगत से जुड़ी और भी ताज़ा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्राइव पाक हिंदी के साथ।